हेलो दोस्तों, आज हम बात कराने उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती में। यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया अभी चलने वाली है, जैसे कि आप लोगों ने कल वीडियो देखा होगा कि विभाग ने आप जो है लगभग अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अब आपका जो है कभी भी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकता है कुछ दिनों के बाद से, ये विभाग ने कह दिया है। और इसमें आपको बता दूँ कि लगभग जो है आपके कौन कौन बीएड अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका यहाँ पर जो सिलेक्शन पक्का होने की चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका पूरा एनालिसिस करके लेके आए हैं आज हम। क्योंकि आपको पता है कि अभी सिचुएशन किस तरह की चल रखी है उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पर बीएड वालों का किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, और किस हिसाब से आ रहा है कुछ अता पता आपको नहीं चल पा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो कैटेगरी वाइज अगर बात करो, यहाँ पर किस कैटेगरी में जो है अभी तक का कहाँ तक का चला हुआ है, नंबर कहाँ तक आ रखा है, और आगे जो है नेक्स्ट जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी कहाँ तक के अभ्यर्थी आ सकते हैं, क्योंकि ईयर वाइज ही भर्ती है बीएड अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि ईयर वाइज प्लस आपके गुणांक के आधार पर जो है सिलेक्शन किया जा रहा है, ठीक है। और बाकी जो है आपका डीएलएड वालों को प्रेफरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनका पहले प्रेफरेंस है, उसके बाद बीएड वालों का नंबर आ रहा है। लेकिन अभी जो है सिचुएशन ये है कि उत्तराखंड में कि बीएड वालों का काफ़ी कम लोगों का नंबर आ रखा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। मैंने इस पर वीडियो बना रखी ऑलरेडी, क्योंकि लगभग जो है आपके कई जनपदों में 2-3, कहीं पर 4, तो अलग अलग वेटिंग लिस्ट आ चुके हैं। अब बीएड वालों का नाम अब आना शुरू हो चुका है, ठीक है। और बीएड वालों का नाम आता है तो कौन कौन से ईयर का हो सकता है कि सिलेक्शन, वो हम इसमें पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो है सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों के ऊपर ही वीडियो है, और डीएलएड का बिल्कुल नहीं बताऊंगा वैसे, क्योंकि आपको पता है डीएलएड का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और बीएड में हम बात करेंगे इसमें कौन कौन अभ्यर्थी किस वर्ष तक का जो है यहाँ पर चयन होने की यहाँ पर संभावना है, ठीक है। तो सारे डिस्ट्रिक्ट का एक साथ लेके चल रहा हूँ मैं, सभी जनपदों का, ठीक है, सभी जनपदों का मैं कैलकुलेट करके लेके चल रहा हूँ इसमें, क्योंकि हो सकता है कि आपका अल्मोड़ा में ये काम ना करे, हो सकता है कि जनपद आपका जो चमोली है वो ये काम कर जाए, ठीक है। तो मैं सभी डिस्ट्रिक्टों को लेकर जो उनका एनालिसिस करने के बाद ही यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इसका, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएड अभ्यर्थियों का अनरिजर्व कैटेगरी में पीसीएम कैंडिडेट का, ठीक है। तो मैथ्स कैटेगरी में अगर देखा जाए तो ये सभी जनपदों का जो है एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूँ मैं, कोई पर्टिकुलर जो है जनपद लेके नहीं चल रहा हूँ। अगर आपका देखा होगा बीएड में तो एक्स आर्मी का लगभग जो है 2011 और कहीं कहीं पर जो है 2012 वालों का भी यहाँ पर नाम आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है लगभग जो एक्स आर्मी वाले हैं, अगर आपने 9 या 10 जिलों से, जो भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट से, उन सभी से फॉर्म भर रखा है, तो ज़रूरी है कि आपका जो है लगभग 2013 वालों का भी यहाँ पर जो है नाम शामिल हो जाए, इतने अभ्यर्थी जो बीएड वर्ष वाले हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है। अगर बात करें यहाँ पर पीसीएम में एससी कैटेगरी में बीएड कैंडिडेट का, अभी तक का यहाँ पर देखा जाए गया है कि यहाँ पर 2009 तक का आया हुआ है, ठीक है। ये मैं किसी पर्टिकुलर जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें दूसरी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ तक देखा गया है, तो डेफिनेटली जो है 2010 तक यहाँ पर आ सकता है उस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और बाकी तो आपको बताइए कि लगभग जो है 6, 7, 8 तक यहाँ पर चला हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक यहाँ पर जा रहा है आपको पता है, ठीक है। तो मैं उस बात कर रहा हूँ जहाँ पर सबसे लास्ट तक जो है बीएड वालों का आ रखा है, ठीक है। 2009 तक यहाँ पर आया हुआ है, तो 9 वाले भी काफ़ी हैं, तो यहाँ पर जो है 9 वालों का ही आ सकता है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट में, तो ये ओबीसी में बीएड कैंडिडेट में यहाँ पर 2008 और 2009 इतना ही आ रहा है, ठीक है। मोस्टली जो है आपका 2007-8 देखा जा रहा है, और जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करूँ सबसे हाईस्ट कहाँ तक अभी तक आ रखा है, तो 2008 और 2009 वालों का भी यहाँ पर आया हुआ है, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर आपका 9 वालों तक ही आएगा, ठीक है। 10 आना तो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा 10 वालों का आना, ठीक है, तो 9 तक ही आ सकता है। और वहीं ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 7-8 तो आ ही चुके हैं, लगभग जो है इसमें 9 और 10 का भी आ सकता है किसी किसी अभ्यर्थियों का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लगभग अंडर पीसीएम में जो है 10 का भी आ सकता है। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर ZBC में, तो ZBC में अनरिजर्व कैटेगरी में जो है लगभग अभी तक 7-6-2008 इतना ही देखने को मिल रखा है, और कुछ पोस्ट लगभग जो है आपको एक बार मैं क्लियर कर दूं कि लगभग जो है आपके 1100 या 1200 के करीब पोस्ट बचे हुए हैं अभी, इन पर जो है आपकी काउंसलिंग होनी है, क्योंकि लगभग जो है आपके यहाँ पर 900 या 1000 के करीब जो है उनकी काउंसलिंग हो चुकी है, ठीक है। उन पोस्टों को जो रिक्त पोस्ट हैं उनके बेस पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग 8 वालों का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ और हो सकते हैं इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है 9 वालों का आ सकता है स्टार्टिंग के, कुछ अभ्यर्थियों का गुणांक जिनका ठीक ठाक होगा, बाकी जो है इससे ज़्यादा आपका नहीं आ पाएगा यहाँ पर। और SC में अगर बात करें 2009 तक का रखा है, तो आपका जो है 9 वाले भी कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जो है 9 तक ही जाएगा आपका, 10 वाले का कैंडिडेट थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ओबीसी में अगर बात करो 7-8 का यहाँ पर आया हुआ है, तो 8 वाले जो है ऑलमोस्ट जो है थोड़े कम ही हैं, तो यहाँ पर जो है 9 वालों का आ सकता है, जो स्टार्टिंग के अभ्यर्थी होंगे जिनका गुणांक ठीक ठाक होगा उनका यहाँ पर 9 वालों का आ सकता है। और ST में अगर बात करें यहाँ पर 2007 वालों तक का आ रखा है,
और यहाँ पर 2008 का आने का चांसेस बिल्कुल यहाँ पर बनता है, 2008 तक के कैंडिडेट का यहाँ पर जा सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर EWS में बीएड कैंडिडेट का, तो EWS में जो है 2007-08 का यहाँ पर चला हुआ है, तो 2009 का भी यहाँ पर जो है बिल्कुल चांस यहाँ पर है, ठीक है। तो 9 तक का यहाँ पर EWS में आ सकता है बिल्कुल, ठीक है। और किसी किसी अभ्यर्थी का 10 का भी आने की चांसेस बन रहा है, ठीक है। तो क्योंकि EWS बीएड वाले यहाँ पर कम ही हैं, तो 9 वाले का डेफिनेटली आपका यहाँ पर आएगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर अदर साइंस में, जो आपका यहाँ पर अदर साइंस वाले हैं, तो उनका अगर बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर साइंस वाले, जो अदर साइंस वाले हैं, 2004-05 का यहाँ पर चला हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है 2007 तक का आ सकता है, ठीक है। 8 वाले जो हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी कम कैंडिडेट का जो है नाम आ रहा है यहाँ पे। और SC में अगर बात करो, 7-8 का यहाँ पर जो है चला हुआ है, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 8 तक का कंप्लीट हो सकता है, 9 का 1-1 का क्या पता आ जाए, ठीक है। अब वहीं यहाँ पर EWS में बात करें, यहाँ पर 2007 तक का यहाँ पर चला हुआ है, इसमें जो है 2008 तक के अभ्यर्थियों का जो है आ जाएगा, किसी किसी अभ्यर्थी का 9 तक का आने की भी चांसेस हैं, 9 वाले भी जो है तैयार रह सकते हैं, ठीक है। 10-11 तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इनका आना। और OBC की अगर बात करें, यहाँ पर 2006 तक का चले, 6 वाले में काफ़ी कम कैंडिडेट हैं, 2007 का यहाँ पर जो है अगर बच्चे होंगे, यहाँ पर कुछ कम भी हैं 2007 वाले में OBC में, तो 2008 तक का आने का चांसेस है इसमें, ठीक है। 2008 तक के अभ्यर्थियों का बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और अगर बात करें यहाँ पर हिंदी में, यहाँ पर हिंदी में देखिए दोस्तों, 8 साइड में जो है हिंदी वालों के लिए काफ़ी यहाँ पर जो है दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम लोगों का नाम आ रहा है, ठीक है। हिंदी वाले जो है यहाँ पर 2003, 2004 वाले आने हैं, 2005, ठीक है, 6 वाले भी बहुत हैं, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है 6-7 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। 8 वाले का आना भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, यहाँ पे मुश्किल हो सकती है, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेड है, जिस हिसाब से एनालिसिस कर रखा है उस हिसाब से, और क्या पता चांस है, क्या पता आ जाए वाली बात है, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो है जिस हिसाब से देखा जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर जो है 2006-07 तक ही आने के चांसेस यहाँ पर हैं, ठीक है। और SC में अगर बात करें यहाँ पर, तो आपके SC में 2005 तक का यहाँ पर आया हुआ है, 2007 तक का यहाँ पर जाने के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर हैं। OBC में अगर बात करें, 2006 तक का चला हुआ है वर्तमान में, 2007 का भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। 7 वाले का डेफिनेटली आपका आएगा, और 8 वाले के किसी किसी अभ्यर्थी का आ सकता है, सबका आना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। और XRM की बात करें, तो 2018-2019 का नंबर आ रखा है, तो यहाँ पर जो है 2020 में जिन्होंने कर रखा है उनका भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जो XRM वाले हैं वो काफ़ी कम कैंडिडेट मिल रखे हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है XRM वाले, उनका तो जो है डेफिनेटली लगना ही लगना है, क्योंकि बहुत ही कम कैंडिडेट हैं। अगर उन्हें जो है तो कम से कम 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट से भर रखा है, तो एक ना एक जगह उनका पक्का होना ही होना है। हाँ, अगर कम जगह भर रखा है फॉर्म, तो फिर दिक्कत हो सकता है, पता चला उस वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में आपका पता चला 2008 वालों का आ रखा है, 2020 वालों का आएगा ही नहीं, तो दिक्कत हो सकता है यहाँ पे। बाकी तो जगह तो अगर ज़्यादा जगह भर रखा है, तो आपकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। और अगर बात करें यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में भी यहाँ पर जो है काफ़ी कम कैंडिडेट लिए जा रहे हैं अभी तक के, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी में बीएड कैंडिडेट की बात करें, तो यहाँ पर आपके 2007 तक का लिया गया है, वो भी PS वाले हैं 7 तक के, ठीक है। तो जनरल में अगर वैसे, क्योंकि PS वाले भी काउंट हो जा रहे हैं इसमें, ठीक है, तो लगभग जो है 2007 तक का रखा है, और इसी कैटेगरी में 2007 तक ही अभ्यर्थियों के आने के चांसेस हैं, 8 वाला कम जाने के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि आ तो सकता है, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल है 8 वालों का, ठीक है, क्योंकि 7 वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप लोग लिस्ट चेक करोगे ना, 2007 वाले बीएड कैंडिडेट आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या पता किसी एकाध लोगों का आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन 7 वाले भी हैं ही अभी, ठीक है। और SC में अगर बात करें यहाँ पर, तो ये 2006 तक का गया है, 7 तक इसमें चले जाएगा, इसमें भी 7 तक ही चले जाएगा। EWS में भी यहाँ पर 7-8 तक जाने के चांसेस है, ठीक है। 7-8 तो पक्का आएगा, और 8 तक भी जाने चांसेस हैं इंग्लिश में EWS में। और वहीं बात करें यहाँ पर अदर 8 में, तो यहाँ पर अदर 8 में अनरिजर्व कैटेगरी का 2006 तक का आ रखा है, तो यहाँ पर जो है 2006 के बाद 7 का आना यहाँ पर है, तो 7 तक का आपका बिल्कुल आएगा। और SC में जो है यहाँ पर 2007 तक का हो चुका है मोस्टली, और यहाँ पर जो है 2008 का आने के चांसेस यहाँ पर है। OBC में अगर बात करें, यहाँ पर जो है 2007 तक का यहाँ पर आ सकता है OBC कैंडिडेट में, क्योंकि 5 वाले ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, 2006 भी कुछ बचे हुए हैं, उसके बाद 2007 वाले का बिल्कुल यहाँ पर आपका आ जाएगा। और OBC और XRM की बात करें, तो 2015 तक का अभी तक आया हुआ है, और किसी किसी जनपद में यहाँ पर जो है 2017 तक जाने की चांसेस हैं, कहीं कहीं पर 2016 तक भी जाएगा, ठीक है। ये इतनी पॉसिबिलिटीज़ है। EWS में जो है 2007 तक का रखा है, 2008 का यहाँ पर जो है EWS का आ जाएगा। 9 वाले का चांसेस कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है 8 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होने की वजह से यहाँ पर जो है दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपका 2008 तक का EWS में जाएगा। तो फिलहाल जो है पूरा एनालिसिस हमने कर लिया है, और आपको बता दिया है कहाँ पर कितना जाएगा, ये एक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लगभग जो है आपका यहाँ पर एनालिसिस किया गया है,
और जो आपके रिजल्ट आपके शो हुए थे उसके आधार पर और जो आपके यहाँ पर प्रत्याशियों की लिस्ट आए थे उसको चेक करने के बाद से इस तरह का जो है आकलन किया गया है, जो कि लगभग लगभग आपकी 90% जो है यहाँ पर सही होने की चांसेस यहाँ पर हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके बीएड कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा हैं और पुराने भी हैं, तो इसी वजह से पुरानों का रखा नए अभ्यर्थियों का आना दिक्कत होगा, ठीक है। बाकी अगर सब कैटेगरी अगर बात करें तो उनका आ सकता है, जैसे 10 वाले हैं, 11 वाले हैं, 12 वाले हैं, उनका इजीली आ जाएगा जो अगर सब कैटेगरी लगेगी जिसकी, ठीक है। बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो है यहाँ पर डिपेंड कर रहा है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ यहाँ पर आपके अलग अलग कट ऑफ या नंबर ऑफ आपके डीएलएड कैंडिडेट हैं, तो इसी वजह से नंबर ऑफ वैकेंसीज ये काफ़ी ज़्यादा फैक्ट रखते हैं जो आपको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं आपको पूरे उत्तराखंड का ऑल ओवर जो अभी तक का शो ऑफ हुआ है रिजल्ट का, उसके आधार पर मैंने आपको बताया है, क्योंकि हो सकता है कि कई जनपदों में 2008 वालों का नहीं आए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कहीं 2007 वालों का ही ना आए, कुछ ऐसा भी हो सकता है वो 2006 में ही अटक जाएगा, ऐसा भी देखने को मिल सकता है आपको फाइनल में जब आपका कंप्लीट यहाँ पर वैकेंट फुल हो जाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट इतने ज़्यादा है ना, क्योंकि बाहर के डिलेट कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो है उसका एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल हो गया था, लगभग जो है काउंट ही नहीं हो पाए वो लोग, ठीक है, उनका पता नहीं चला कि वो NIS वाले हैं या क्या है करके, फिर बाद में यहाँ पर पता चला कि वो अदर यहाँ पर जगह है, तो अदर जगह से यहाँ पर डीलर करके आए हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है बीएड कैंडिडेट का नाम नहीं आ पा रहा था, और ये आपका एनालिसिस है जो आप लोगों ने देखा होगा, तो इसी के आधार पर जो है आपका यहाँ पर बीएड कैंडिडेट का यहाँ पर नाम आने की चांसेस हैं, और जल्दी आपकी भर्ती की जो काउंसिलिंग प्रक्रिया है, नियुक्ति प्रक्रिया है, वो चालू होने वाली है, विभाग से हमने संपर्क कर लिया है, और जल्दी आपका यहाँ पर आशा शिक्षा जैसे समाप्त हो जाती है आपके रिजल्ट का जो लिस्ट है निकलना वो शुरू हो जाएगा, ठीक है, आप तब तक के लिए वेट कर सकते हैं।